हे गाइस, यूट्यूब कम्युनिटी एंड सोशल मीडिया से काफी न्यूज निकल के आ रही हैं, जिसे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। नंबर वन, इल्विश यादव की जो दो वीडियो जो कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पर थी और जहां से ये पूरी महाभारत स्टार्ट हुई थी, यूट्यूब ने फाइनली वो दोनों वीडियो रिटर्न कर दी है। सेकेंड न्यूज निकल के आ रही है राउंड टू हेल की तरफ से। राउंड टू हेल ने अपनी टिकटॉकर्स के ऊपर आने वाली वीडियो की स्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली है। एंड थर्ड न्यूज निकल के आ रही है शक्तिमान मुकेश खन्ना की तरफ से, उन्होंने भी कैरी मिनाटी को सपोर्ट किया है। एंड फोर्थ न्यूज निकल के आ रही है रिवॉल्वर रानी की तरफ से, उन्होंने भी काफी स्टोरीज अपलोड की हैं अपने इंस्टा पर। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है, प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील रावत और आप देख रहे हैं आज की खोज चैनल। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इल्विश यादव से। इल्विश यादव की वीडियो वापस आने के बाद उन्होंने काफी कुछ कहा है, साथ ही इल्विश ने क्वेश्चन है कि कैसे फैजू की व्लॉग वाली वीडियो मोस्ट डिसलाइक बनने के बाद भी यूट्यूब पे लास्ट कुछ दिनों से ट्रेंडिंग में है। चलिए सुनते हैं इल्विश यादव ने क्या कहा है। भाई मैं बोल भी नहीं सकता कि कितना प्यार दिखाया आप लोगों ने जो मेरी दोनों वीडियो वापस आ गई है। जिसने नहीं देखी या फिर जिसको दोबारा देखनी है तो भाई एक बार स्वाइप अप कर दो यहाँ से, या फिर सीधा चैनल पे चले जाओ, इल्विश यादव व्लॉग्स, आपको दिख जाएगी दोनों वीडियो वापस आ गई है, स्वाइप अप कर दो। दोनों वीडियो रिव्यू में थी और उसके बाद ये निकल के आया। दोनों वीडियो मेरी डिमोनेटाइज हो गई है, मतलब एक तरीके से उनकी रीच रोक दी, क्योंकि उसमें मैंने गालियां दे रखी हैं, छोटी मोटी गाली जो भी जो गाली थी उसमें वो थी। बट चलो वीडियो तो वापस आई, गाली गुड़ी तो देखी जाएगी, तो थैंक यू सभी लोग। एक वीडियो देखी मैंने अभी, आमिर की कोई कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो गई उसकी, जिसमें कैरी को गाली गुड़ी पकड़ा हो। भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि यार एक बंदा कितनी बार गलतियां करेगा, मतलब उसको सबक मिल जाना चाहिए कि भाई तुम बार बार जो चीज कर रहे हो। अब देखो यूनिटी भी देख ली होगी तुमने कि तुम्हारे टिकटॉक वाले बंदे ही तुम्हारी भाई लीक वीक करवा रहे हैं, तो यार क्या ही बोला जाए। भगवान कसम मुंह में गाड़ी आ रही है भर के, बट वो ये मैं देना नहीं चाहता गाड़ी, मैं अब किसी फालतू चीजों में नहीं पड़ना चाहता जिस चीज में मैं पड़ा था। पर यार थोड़ा सुधर जा मेरे भाई। मैं जो वीडियो चार घंटे में ट्रेंडिंग पे आनी चाहिए थी, ट्रेंडिंग एक पे जैसे हर वीडियो आती है, ये वाली वीडियो ट्रेंडिंग पे नहीं आई। रीजन आपको भी पता है, हमें भी पता है, और कौन ट्रेंडिंग पे बैठा है कैसे बैठा है ये भी मुझे पता है। देख लो भाई कितने बायस्ड हैं यूट्यूब वाले। Now let's move to news number 2। बात करते हैं राउंड टू हेल चैनल के बारे में। जैसे कि आपको पता है राउंड टू हेल स्टार्टिंग से ही कैरी मिनाटी को सपोर्ट करते आ रहे हैं। आपको याद होगा राउंड टू हेल ने कैरी मिनाटी की पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा था, सबका बदला लेगा रे तेरा राउंड टू हेल। एंड उन्होंने एक पोस्ट भी किया था कि अगर ऑडियंस इस पोस्ट पे 100 के कमेंट्स कर देती है देन वी विल रोस्ट देम। और यहां पर वी विल रोस्ट देम का मतलब था टिकटॉकर्स को रोस्ट करने से, जो कि 100 के कमेंट्स का टारगेट उन्होंने इंस्टा पे दोबारा पोस्ट करते हुए लिखा, 100 के कमेंट्स के लिए बोला था लेकिन यहां पर 200 के कर दिए। अब और ज्यादा मजा आएगा वीडियो में। इसके बाद ही राउंड टू हेल ने एक और पोस्ट डालते हुए लिखा, स्क्रिप्ट इज रेडी, मींस वीडियो हो सकता है जल्द ही आ जाए। नाउ लेट्स मूव टू न्यूज नंबर 3। बात करते हैं रिवॉल्वर रानी के बारे में। वो डायलॉग तो याद होगा जिसमें यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का कंपैरिजन यूपीएससी IIT से किया गया था, या बोला गया था कि मुझे तो 4 घंटे लग जाते हैं टिकटॉक वीडियो बनाने में। जी हाँ, आपने सही समझा, ये वही हैं, इन्होंने इंस्टा स्टोरीज अपलोड करते हुए अपने काफी क्वेश्चंस का आंसर किया है। चलिए देखते हैं रिवॉल्वर रानी ने अपनी पोस्ट पे क्या लिखा है। बिफोर आई जंप टू FAQ आई वांटेड टू अपोलोजाइज टू क्रिएट अ रिपल इफेक्ट विद वन ऑफ माई स्टोरीज आई पोस्टेड आफ्टर सीइंग अ रोस्ट वीडियो। आई एक्सेप्ट कि मुझे रोस्ट को ऑफेंसिवली नहीं लेना चाहिए था। रिपल्सिवनेस लीड्स नोवेयर। वहीं अपने IIT UPSC वाले अपने एग्जाम्पल पर रिवॉल्वर रानी ने बोला, आई एक्सेप्ट माई एग्जाम्पल वॉज Observed and unneeded that lead to misinterpretation of my word. But मेरा point बस यही था कि TikTok and YouTube दो बहुत ही अलग platforms हैं. Algorithms, audience, video length, audience, interest, efforts basically in all aspects. I have a TikTok account and I have been a YouTuber. I have worked with YouTubers and there is a no chance I shall ever disrespect any creator or platform. वहीं पर अपनी सेकंड स्टोरी पे उन्होंने क्वेश्चन करते हुए बोला, कमेंट सेक्शंस डिसेबल क्यों किए हैं? हेट और अब्यूज में एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है, वो क्रॉस हो चुकी है। नेगेटिव कमेंट्स अब्यूजिव हो चुके थे और मेरी माँ के लिए गाली लिखी जा रही थी, ना तब उनके लिए सुन पाई और ना आज किसी और की माँ के लिए सुन पाई। अपनी तीसरी स्टोरी में क्वेश्चन का आंसर करते हुए उन्होंने लिखा, आपका साबुन स्लो है क्या?
ओके यस आई मीन यस, तभी टिकटॉक पर भी 4 साल में 5.5 मिलियन ही कर पाई, वरना लोग 2 महीने में 15 से 17 मिलियन पहुंच जाते हैं। मुझे 4 घंटे लग जाते हैं कुछ वीडियोस में, और बोर्न टिकटॉकर्स 5 मिनट में ही बना देते हैं। अपनी फोर्थ स्टोरी में क्वेश्चन का आंसर करते हुए रिवॉल्वर रारी ने लिखा, इतनी टाइम बाद अब क्यों बोल रही हो? बिकॉज प्रोबेबली दिस इज द राइट टाइम। आग में हाथ डालने से जलन हमें ही होती है। द हीट एंड हेट वॉज राइजिंग ईच डे, वो वक्त सही नहीं था। आज आप लोग शांत हैं, शायद मुझे सुनना चाहते हैं। दिस कॉन्ट्रोवर्सी हैज बीन अ रोलर कोस्टर राइड फॉर ऑल ऑफ अस, ऑडियंस, क्रिएटर, टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, हेट, लव, सपोर्ट, अब्यूज, थ्रेट्स, काफी कुछ सीखने को मिला है। भेड़ चाल में कहीं गुम हो गई थी तुम्हारी रानी, थ्रू आउट दिस प्रोसीजर आई फाउंड माई सेल्फ येट अगेन। अपनी नेक्स्ट स्टोरी पर उन्होंने लिखा, लेसन लर्न्ड, मींस इस कंट्रोवर्सी से उन्हें क्या सीखने को मिला। नंबर 1, अपने वर्ड्स को हमेशा सही से डिलीवर करना चाहिए ताकि किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। नंबर 2, रोस्ट पर कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए। नंबर 3, इज्जत काम की होती है, नंबर्स की नहीं। गाइज ये फोर्थ नंबर मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप प्लीज इसे खुद समझ लीजिएगा। और एंड में इन्होंने लिखा खत्म, मीन्स रिवॉल्वर रानी ने इस कॉन्ट्रोवर्सी में जो भी उनकी साइड से था इसे पूरा टोटली अपनी साइड से खत्म कर दिया है। नाउ लेट्स मूव टू न्यूज नंबर 4, बात करते हैं शक्तिमान आई मीन मुकेश खन्ना की। तो उन्होंने भी टिकटॉक को इंडिया से रिमूव करने के लिए कैरी मिनाटी का पूरा सपोर्ट किया है। साथ ही शक्तिमान मुकेश खन्ना ने एडवाइस किया कि वीडियो बनाते हुए हमें शब्दों का चयन करते वक्त काफी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कई बार हम सही होते हुए भी गलत हो जाएं। गाइज वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने जो कैरी मिनाटी जो अपलोड हुई है उनके चैनल पे स्टॉप मेकिंग अजम्पशंस के नाम से उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज देख लें, और ज्यादा से ज्यादा अपने मोबाइल से उसको लाइक करें और ट्राई करें कि जो उनकी लास्ट वीडियो अपलोड हुई थी जो कि हटा दी गई थी यूट्यूब की तरफ से, इस वीडियो में उससे ज्यादा उन्हें जो है प्यार मिले ऑडियंस की तरफ से, आपकी तरफ से। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने हर मोबाइल कर चुका हूं। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, वंदे मातरम।